नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। मैं आपके साथ सोनू। खबर सतना से है, जहां जिले में फिर बड़ी वारदात हुई है। चुनावी विवाद में एक शातिर अपराधी ने पूर्व सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी और अपने अपराध से बचने के लिए खुद को भी गोली मार ली। आपको बता दें कि मामला सिंहपुर थाना क्षेत्र के कुड़िया दुर्गापुर पंचायत का है, जहां पूर्व उप सरपंच राजमन कोल के साथ बुधवार की रात जमकर मारपीट हुई। घायल को रीवा मेडिकल कॉलेज उपचार के लिए भेजा गया है, जहां उसकी मौत हो गई। हत्यारा वर्तमान में सरपंच का चुनाव लड़ रहे दर्पण सिंह का भाई सनी सिंह है। हत्या की वजह चुनाव प्रचार का बताया जा रहा है। आरोपी सनी सिंह ने काउंटर केस बनाने की बड़ी साजिश की थी, खुद के हाथ में गोली मार ली थी और मृतक पर गोली मारने के आरोप लगाए हैं। हालांकि पुलिस ने आरोपी को अभिरक्षा में ले लिया है। सनी सिंह नागौर थाने का हिस्ट्री सीटर बदमाश भी है। पुलिस आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां आरोपी का उपचार चल रहा है। सतना जिले के सिंहपुर थाना में बड़ी संख्या में मृतक के समर्थक जुट रहे हैं, ऐसे में एहतियातन भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। विराट 24 के लिए सतना से संपत मिश्रा की रिपोर्ट। ये सिंहपुर में आज रात में 3 बजे की घटना है। कुड़िया गांव का रहने वाला ये सन्नी सिंह है, अभी नौवस्था में रहता है। इसने रात में 3 बजे वहां के पूर्व उप सरपंच हैं राजमन कोल, उनको लाठी डंडों से प्रहार किया, इससे वो चोटिल होने से उनको जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में वो रीवा मेडिकल कॉलेज भी रेफर हुए, वहाँ जाकर उनकी मृत्यु हो गई है। सन्नी सिंह को पकड़ लिया गया है। सन्नी सिंह ने यद्यपि जो है क्रॉस केस करने के लिए अपने हाथ पर खुद गोली चलाई, ऐसा कहा जा रहा है, तो उसको जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। गार्ड लगी हुई है, जैसे ही ठीक होगा थोड़ा वो उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा।